हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फ़ोन हमारे पास है वीवो वाई 12। जैसे आप देख सकते हैं, वीवो वाई 12 एक फ़ोन यहाँ पे हमारे पास आया है और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट और मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर है, उन लोगों ने बताया कि थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करो कि अनलॉक करने में क्या क्या प्रोसेस करनी है, कि ये अनलॉक टूल से होगा, UMT से होगा या SP टूल से अनलॉक हो सकता है विदाउट एड्रेस। तो बहुत सारे YouTube पे ऑलरेडी वीडियोस भी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसके ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने भी बोला है कि आप सर आप एक्सप्लेन अच्छा करते, इसके लिए मुझे एक बार वीडियो बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैटर्न लॉक पे है, जो कि इसका पैटर्न पता नहीं है और यहाँ पे पैनल ऑलरेडी खुला हुआ है। तो मैं इसके ऊपर आपको अनलॉक करके दिखाऊंगा विदाउट डेटरीज। अगर आपको कोई भी इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी है और इसको अनलॉक करने वाले हैं हम यहाँ पे, मैं आपको सबसे पहले ये ओपन करके दिखा देता हूँ। उसका बोर्ड एकदम फ्रेश है, अभी तक खुला हुआ नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका कोई डाटा CLK वगैरह कोई भी शील्ड इसका कट नहीं किया हुआ है, पूरा एकदम फ्रेश बोर्ड है। तो यहाँ पे हम इसका शॉट करेंगे। इसका जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोटो ओपन किया हुआ है। ये फ़ोटो जो है तो Y12 Y15 का जो है, यहाँ पे ये CLK दिखा रहा है, इसको ग्राउंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैं फ़ोटो आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे शॉट। तो इसके लिए ये शील्ड इतना आपको कट करना होगा और इसके बाद यहाँ से इसको ग्राउंड किधर भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ये शील्ड को यहाँ से हटा के फिर हम इसको पोर्ट यहाँ पे ग्राउंड लगाएंगे, क्योंकि ये ग्राउंड लगाने का रीज़न ये है, जब इसका पहले पुराना जो वर्जन था उसके अंदर आपको फ़ोन खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। डायरेक्ट वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों की प्रेस जब आप करते हैं तब आपका डायरेक्टली MTK का ब्रोम कोड बनाता था और आप अनलॉक भी कर सकते थे। बट अब सिक्योरिटी जब हाई हो गई है वीवो के अंदर, तो ये जब कनेक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर प्री लोडर का कोड बना रहा है और प्री लोडर के पोर्ट बनाने से आपका फ़ोन डिटेक्ट करके छोड़ देता है और काम नहीं कर पा रहा। तो हमें यहाँ पे ब्रोम मोड की ज़रूरत थी, तो ये USB के थ्रू से करने का काम जो है बिना खोले नहीं कर पा रहे। तो अब इसके अंदर जो सिक्योरिटी अपडेट हुई है, इसको फ़ोन खोल के आपको इसका जो ये ग्राउंड करके आप तभी इसका ब्रोम वाला पोर्ट बना सकते। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे, बिना खोले तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी खोल चुके हैं। एक बार मैं यहाँ पे इसका शील्ड को थोड़ा सा स्क्रैच कर लेंगे यहाँ से और फिर हम इसको जम्पर लगा लेंगे। तो यहाँ से हमने इसका थोड़ा सा कट कर लेंगे। जितना हमें ज़रूरत है उतना ही कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ तक मुझे चाहिए मैं उसका उतना ही हिस्सा कट कर लेता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कट कर लिए जो जितना सेक्शन है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे जो टेस्ट पॉइंट के जो बता रहा है वो टेस्ट पॉइंट मैं यहाँ पे उसको शॉर्ट करता हूँ जम्पर लगा के, और यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये स्क्रीन पे लगा लो, ठीक है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ गया है, तो हमें यहाँ पे ये वाला जो इसका रजिस्टर होता है ये साइड हमें इसको शॉर्ट करना है, ये हिस्से को। तो पहले सबसे पहले थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे तो यहाँ पे बॉल अच्छे से बढ़ जाएगा।
देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैंने उसको यहाँ पे एक जंपर लगा लिया है CLK के एक साइड में, और इसको हम थोड़ा सा लंबा सा कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको जब करेक्ट करना है तो फोल्ड करने आना चाहिए, तो हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना लिया, क्योंकि हमें जब कनेक्ट करना है तो हम इसे ग्राउंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ से एक जंपर ले लिया और यहाँ से थोड़ा सा लंबा ले लिया, क्योंकि जब हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शील्ड में इसको ग्राउंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे, हम बोर्ड में लगा लेते हैं और इसके बाद हम आते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमने जंपर लगा लिया और यहाँ पे बोर्ड में भी हमने फिक्स कर दिया है। अब आते हैं हमारे स्क्रीन पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो CLK का है, इसको मैंने जंपर लगा के ग्राउंड यहाँ पे एक जंपर ले लिया सामने से। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जंपर भी लगा लिया, डाटा CLK का हमने शॉर्ट कर दिए है। अब यहाँ पे हम अनलॉक टूल ओपन करेंगे और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अनलॉक टूल से कैसे इसको बिना डेड रिस्क का Y12 को अनलॉक करते हुए एक बार आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टूल ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे टूल ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं टूल ओपन कर लिया हूँ, उसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ लॉग इन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे और वेट करते हैं, इस समय यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ लॉगिन। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे टूल अभी ओपन हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा बिना डेड रिस्क Y12 का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी कैसे अनलॉक करना है। तो सबसे पहले यहाँ टूल ओपन होने देंगे, पहले तो आपको मैंने ये फोटो बताया था कि आपको ये CLK का ग्राउंड करना है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे जंपर लेके रखा हुआ है, ग्राउंड करके रखा हुआ है, और इसके बाद ये हमारा अनलॉक टूल हो गया ओपन, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करना है हमें जो प्रोसेस करनी है, आना है MTK के MediaTek वाले टैब में आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे टैब देखने मिल रहा होगा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट डाटा, अगर मुझे यहाँ पे फैक्ट्री से पैटर्न लॉक हटाना है तो मैं डायरेक्टली पैटर्न लॉक के साथ फॉर्मेट और FRP दोनों वन टाइम कर लूंगा। आपको यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट डाटा में मेथड आ रहा है, तीन मेथड बता रहा है, मेथड वन और बाय रिकवरी मोड, मेथड टू में है राइट फाइल, और मेथड थ्री में है क्विक फॉर्मेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम क्विक फॉर्मेट में सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इरेज FRP पे ऑलरेडी देख सकते हैं टिक लगा हुआ है, मतलब साथ ही साथ FRP भी क्या होगी आपकी निकल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे हम करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे हम फोन को कनेक्ट करेंगे रोम मोड में, यहाँ पे बता रहा है वेटिंग फॉर डिवाइस। तो हमने जो जंपर लगाया है, हम पहले उस जंपर को यहाँ पे शॉर्ट कर लेते, पकड़ लेते, ग्राउंड से कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे पोर्ट बना लिया है, MediaTek USB पोर्ट V1632 का पोर्ट बन गया है, बट मेरा फोन इस तरह से कंडीशन में, आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि बाईपासिंग ऑथेंटिकेशन फेल्ड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए करना क्या है, जबकि हमने यहाँ पे जंपर भी लगा लिए है CLK को, फिर भी यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम आ रही है। अब
आगे नेक्स्ट करना ये है कि हमें यहाँ पे एक तो मॉडल वाइज कस्टम प्रीलोडर ईएमआई पे क्लिक कर लेना है। इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं वाई 12 का मॉडल इसमें अवेलेबल है या नहीं है, एक बार मैं वो भी देख लेता हूं। वीवो वाई 12 यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो वाई 12, वाई 15 सारा कुछ मॉडल यहाँ पे है। एक बार मैं वाई 12 को भी सेलेक्ट कर लेता हूं और एक बार ट्राई करते हैं फोन डेड होगा या नहीं होगा। फिर से हम यहाँ पे सेम प्रोसेस वाई 12 पे सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे क्विक फॉर्मेट पे सेलेक्ट करके फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कुछ इश्यू आता है या हो जाएगा हमारा काम। फिर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फोन कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे देख सकते हैं इरेजिंग एफआरपी ओके और इरेजिंग यूजर डाटा ओके, दोनों भी मेरा यहाँ पे ओके हो गया, बिना कोई डेटरीज, बिना कोई फाइल नहीं है, ना मैंने यहाँ पे कोई स्पेशल फाइल लिया ना कुछ भी लिया। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे प्रीलोडर का कोड बना रहा है, मतलब मेरा फोन अभी कोई डेड कंडीशन में नहीं है बिना कोई डेटरीज। ये इजी तरीका कोई भी फोन आप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको, चार्जिंग लगा लेंगे सबसे पहले। वो जंपर को मैं साइड में रखता हूँ, अगर आप ग्राउंड करके कनेक्ट करोगे तो फोन डेड हो जाएगा। मैं साइड में इसको जंपर साइड कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा चार्जिंग का लोगो आ गया है। तो फ्रेंड्स मेरा फोन यहाँ पे डेड नहीं हुआ है और जो मेरा पैटर्न लॉक और एफआरपी लॉक में था, आप देख सकते हैं चार्जिंग का लोगो आ गया है, सिंबल आ गया। और यहाँ पे मैं एक बार उसको ऑन करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हमारा फोन यहाँ पे ऑन होने के बाद फर्स्ट लोगो पे स्टक होता है या सेकंड लोगो ऑन होने के बाद पूरा ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिना कोई भी डेड्रेस नहीं है, कोई भी स्पेशल फाइल नहीं है, सिर्फ आपको ऑथेंटिकेशन जो बता रहा था हमें यहाँ पे मॉडल नंबर उसको देना है। अब कोई भी ऐसा है कि देखो इसमें अगर मॉडल नंबर है तो ही काम कर सकते हैं, अगर इसमें मॉडल नंबर नहीं है फिर आप क्या करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आप यहाँ पे ऑन हो रहा है इसको साइड में रख लेते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास इसमें मॉडल नंबर शो नहीं कर रहा है फिर आप करेंगे क्या, उसको कनेक्ट करने में वही आपको एरर आएगा, बाईपासिंग ऑथेंटिकेशन पे एरर आएगा। फिर आपको करना कुछ नहीं है, फ्लैश फाइल के अंदर एक प्रीलोडर का फाइल आता है, आपको यहाँ पे प्रीलोडर को फोल्डर देख सकते हैं, आप यहाँ पे लोड करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे वो प्रीलोडर का फाइल दे सकते हैं। अब ये अगर आपको फ्लैश फाइल में मिल जाएगा या अगर आपको सिंगल वेबसाइट पे अगर देख सकते हैं ग्यूमी रोम पे भी मिल जाएगा। अगर मैं आपको बताऊंगा ग्यूमी रोम के वेबसाइट पे भी फाइल मिल रही है, मैं एक बार वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी आपको प्रीलोडर की हर एक मॉडल की फाइल मिल रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो गई है। मैं ओपन करके दिखाता हूँ, आ जाते हैं वीवो में और यहाँ पे देख सकते हैं आप वीवो के अंदर ईएमआई प्रीलोडर विद टेस्ट पॉइंट डेड आफ्टर फ्लैश सॉल्यूशन फाइल। तो यहाँ पे भी अगर आप यहाँ से भी आके ले सकते हैं, अगर आपके पास ये वेबसाइट है आपके पास ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो यहाँ से एक सिंगल फाइल मिल जाएगी। इतने सारे मॉडल है, S1 Y1 और Y12 Y1S है, Y20G मॉडल है, लेटेस्ट से लेटेस्ट सारे मॉडल इसमें अवेलेबल है, Y21S भी मॉडल है, Y91 है, Y90 है। तो ये फाइल यहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, छोटी सी फाइल होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास यहाँ पे वो डाउनलोड किया है Y12 का, ये फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये फाइल मिलेगी, एक 2 MB का फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रीलोडर का फाइल मिल जा रहा है और प्रोसेस भी बता रही है फोटो में आपको कहाँ जम्पर लगाना है। तो फ्रेंड्स ये जो फाइल होती है हमें यहाँ पे मैन्युअली लोड करनी है, एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे लोड करना है। अगर आपको यहाँ पे मॉडल नंबर शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे फोल्डर में आ जाते हैं और मेरा जैसे कि डेस्कटॉप पे फाइल रखा हुआ है, मैं ये फाइल Y12 पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं प्रीलोडर का जो फाइल है ये फाइल सिंगल यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये आप फ्लैश फाइल से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया और यहाँ पे आप इसके बाद नेक्स्ट कनेक्ट कर लेना है, फोन आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन मेरा बिल्कुल पूरा ऑन हो गया, फैक्ट्री रिसेट भी हो गया और एफआरपी भी साथ में, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों चीज मेरी क्लियर हो गई है, एफआरपी भी इरेजिंग हो गई है और यूजर डाटा दोनों भी इरेज हो गया है और मेरा फोन यहाँ पे विदाउट डेड्रेस ऑन हो चुका है। तो सिम में यहाँ पे अभी पूरा नेक्स्ट करके पूरा सेटिंग नेक्स्ट कर लेता हूँ, तो देखेंगे यहाँ पे पूरा नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे सेटअप हम।
इसको स्किप कर लेंगे। अगर यहाँ पे स्किप नहीं हुआ तो इसका मतलब आपका FRP लॉक पे है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किप हो चुका है। और ये जो फोन के अंदर, पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये फोन के अंदर कोई भी काम नहीं किया हुआ था, पूरा एकदम शील्ड फोन था, पूरा इसके अंदर टीन लगा हुआ था और हमने इसके अंदर लाइव इसके अंदर शील्ड कट करके जम्पर लगा के आपके सामने ये काम किया हुआ है। ऐसा ये नहीं है कि पहले से ही इसके ऊपर काम करके वीडियो बना रहे हैं हम पूरा फ्रेश वीडियो बना रहे हैं फोन के ऊपर कि विदाउट डेड रिस्क के ऊपर कैसे काम करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिना डेड रिस्क मेरा फोन ऑन हो गया कंप्लीटली। वेट करते हैं। तो ये सिर्फ Y12 में ही नहीं, जो भी फोन पे आप डाउट है कि ये वीवो का डेड होगा, S1 होने दो, Y12 होने दो, Y15, Y17, जितने भी मॉडल है वो सारे मॉडल ऐसे सेम प्रोसेस से ही अनलॉक होंगे। कोई भी स्पेशल टिस्ट नहीं है, बस इतना है कि आपको ब्रॉम कोड बनाने के लिए फोन खोलना होगा और आपको डाटा जीरो पे या तो CLK के पॉइंट पे आपको जंपर लगा के उसको ग्राउंड करेंगे, तब आपका डायरेक्टली पोर्ट बनाएगा। तो फ्रेंड्स यही है एक जो ट्रिक है, इसमें कोई स्पेशल नहीं था, बस यही एक चीज थी जो बहुत सारे लोग परेशान थे ये चीज उसे कि फोन अनलॉक करने में डेड हो जा रहा था। ठीक है फ्रेंड, तो वो डेड होने का रिस्क ये था कि उसके अंदर प्रीलोडर रॉन्ग हो जा रहा था और प्रीलोडर उसका डेड होने की वजह से ही फोन डेड हो रहे थे। अब यहाँ पे हम बता दिए कि प्रीलोडर कैसे सिलेक्ट करनी है, वो आप सिलेक्ट करके भी यहाँ पे राइड कर सकते हैं विदाउट एनी डेड रिस्क। तो फ्रेंड्स आज का यही था वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।